भक्तों के जे उमटी पड़ा है तमाम जे शिव मंदिरों से शिवालयों से तमाम जगह भक्तों जे गोड़ापूर सवारथी ज उमटी रहू है महादेव ने रिझववा माटे। तो अलग अलग जगह महादेव ने अलग अलग शणगार से ते करवामां आव्या छे। तो महादेव ना दर्शन करवा माटे जे प्रकारे आप दृश्यों में पण जोई रह्या छो कि महादेवना एक दर्शन माटे जे व्हीलचेर पर पण जे भक्तों छे ते आवी रह्या छे, परंतु महादेवना आजने जे दर्शन छे ते खूब ज खास होय छे। श्रावण मासनी जे शरूआत थती होय छे तेने लईने जो सोमनाथ ने अनोखा शणगार है तो तमाम शिवालयों में करवामां आव्या छे। ते पछी सोमनाथ होय के अन्य कोईपण ज्योतिर्लिंग तमाम जग्याए खास जे व्यवस्थाओं से करवामां आवी छे, खास शणगार करवामां आव्या छे। देश विदेश तमाम जग्याएथी आजना खास दिवसे ते भक्तों दर्शन करवा माटे उमड़ता होय छे। त्यारे सोमनाथनी आपणे वात करीए छीए तो सोमनाथ में पण जे देश विदेशथी भक्तों पहोंचता होय छे। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा पण यात्रीओ माटे खूब ज व्यवस्थाओं से करवामां आवती होय छे। तेमां जमवानी पार्किंगनी सुविधाओं होय छे, आ सिवाय पूजा मंत्रजाप तमाम सुविधाओं के जे ऑनलाइन दर्शन पण करी शके तेवी पण व्यवस्था करवामां आवी छे। आ सिवाय अन्य जे ज्योतिर्लिंगों छे त्यां पण जे प्रकारे ऑनलाइन दर्शननी सुविधा छे ते व्यक्त करवामां आवती होय छे। जे कोईपण जे भक्त छे दर्शनथी वंचित न रही जाय ते प्रकारनी खास व्यवस्था गोठववामां आवी छे। घरे बैठा पण दर्शन करी शके छे, ऑनलाइन दर्शननी व्यवस्था करवामां आवी छे। तो दिव्यांग फ्रेंडली सुविधाओं सहित अनेक सुविधाओं में जे श्रावण मास में विशेष वारो के जे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा करवामां आव्यो छे। तो सोमनाथ खाते खास जे व्यवस्थाओं करवामां आवी छे। तमाम यात्रिकों माटे सुरक्षा बंदोबस्त ने लईने पण खास व्यवस्थाओं छे ते करवामां आवी छे। पोलीस तंत्र के जे खूब ज सज्ज जोवा मळी रह्युं छे अने तेनी साथे जे तमाम जे भाविक भक्तों है ते उमटी रहा है अने महादेवना दर्शन है ते करी रहा है। तो रेखा कुमारी है, मैं बिहार से हूँ, लेकिन फिलहाल हम लोग राजकोट में रह रहे हैं और इससे पहले भी हम लोग सोमनाथ आ चुके हैं। यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, ये हम मेरा दूसरा ट्रिप है इधर का और बहुत ही अच्छा लगता है और आगमन का पहला दिन है, इसलिए हम लोग इधर आए हैं दर्शन करने के लिए भगवान शंकर जी का। मुझे ईश्वर में बहुत ही आस्था है, इसलिए हम लोग बराबर आते ही रहते हैं सोमनाथ। यहाँ पर आकर मुझे मन को बहुत शांति मिलती है और बार बार आने का मन करता है। बार बार आते हैं यहाँ पे और आते ही रहेंगे। भगवान से क्या प्रार्थना? हरे कृष्णा, मेरा नाम है अमल भक्तदास। ऐसा तो मेरा रियल नाम है अमृत चौधरी, लेकिन मेरा स्पिरिचुअल नाम, हम लोग इस्कन वाले हैं और इस्कॉन वाले जो हम लोग इन अपना गुरु से हम लोग अपना स्पिरिचुअल नेम प्राप्त करते हैं, तो मेरा स्पिरिचुअल नेम है अमल भक्तदास और मैं नेपाल से हूँ, काठमांडू से। मैं 45 लोगों को लेके मैं सोमनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ। आज तीसरा दिन हुआ और दर्शन तो हो चुका है, फिर आज हम लोग नेपाल वापस जा रहे हैं, तो लास्ट दर्शन कर ले, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, ये मैंने सुना हो कि ये मतलब शास्त्रों में लिखा है कि जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मुख्य एक ज्योतिर्लिंग है। तो इसलिए हम लोग ने ये सावन के महीने में और ये क्या कहते हैं अधिमास में भगवान शिव का सोमनाथ का दर्शन कर बहुत मतलब लाभ प्राप्त होता है। भक्ति में बहुत अच्छा हम लोग तरक्की कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग नेपाल से इतना दूर से यहाँ तक आए हैं। ऐसा तो देखिए, भगवान शिव जी सोमनाथ जी परम वैष्णव है। शास्त्रों में लिखा है कि वैष्णवानम यथा शंभु, शिव जी के कहते हैं कि वैष्णवानम यथा शंभु, सबसे बड़ा वैष्णव भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है वो। तो भगवान शिव जब हम लोग दर्शन करते हैं तो हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे बिल्कुल आपके जैसा भक्ति दे, भगवान कृष्ण के लिए आपका जैसा भक्ति दे। आप जैसे भगवान कृष्ण की जिस तरह भक्ति कर सकते हैं उसी तरह हम भी भक्ति कर सकें, बस यही मांगते हैं। मेरा नाम रजनी सिंह है, मैं लखनऊ से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं यहाँ दूसरी बार दर्शन करने आई हूँ। पहले एक बार और आई थी और श्रावण मास में मुझे यहाँ दर्शन करने को मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ पहले जब मैं आई थी तो उससे व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई है अब, अब तो 7 साल पहले मैं आई थी। तो मैं चाहती हूँ भगवान सोमनाथ सबका कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें और सभी हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहें। बाबा का पहले बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह का दर्शन और भी अच्छा लग रहा है और आरती देखना ये हमारा सौभाग्य है कि हमको इस तरह दर्शन मिला भगवान। क्या कहेंगे? ट्रस्ट का व्यवस्था बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे पैर में प्रॉब्लम है थोड़ी, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बेस्ट ही है। हम रणविजय सिंह है, मैं लखनऊ से आया हूँ। आज श्रावण मास का प्रथम दिन है और मेरा सौभाग्य है कि हम यहाँ आते हैं दर्शन करने बाबा के चरणों में। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम कामना करते हैं कि अभी जितनी हिमाचल में और उत्तराखंड में जो भी आपदा आ रही है बाबा उसको दूर करें और भक्तों पर ध्यान दें अपने और सबका पूरे विश्व का कल्याण करें। पूरे विश्व में त्रासदी आजकल हो रही है और ये ग्लोबल इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है या लोगों के पेड़ों के कटान से या इस तरह के पर्यावरण को छेड़ने से हो रहा है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा सबका कल्याण करें। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यूपी से आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की व्यवस्था, ट्रस्ट की व्यवस्था अच्छी है। और पहले से 7 साल पहले मैं आया था, अब इस समय ज़्यादा डेवलपमेंट दिखा पूरे वर्ल्ड के लोग। हाँ, एक बार ज़रूर सोमनाथ आए, सोमनाथ क्या बल्कि पूरा गुजरात घूमिए, कच्छ है और मैं तो दीव भी घूम के आया हूँ और कच्छ भी और द्वारिकापुरी भी बहुत अच्छा है। तो टूरिज़्म के दृष्टिकोण से तो यहाँ बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए एक बार। थैंक यू। आपका नाम? राखी, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। राजकोट में मेरे सर मैडम रहते हैं, तो उनके साथ में तो घूमने आए हैं। तो यहाँ का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब बताया गया था पहले से ही और रियल में आके भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और सावन का यहाँ माना जाता फर्स्ट स्टार्टिंग है आज, लेकिन मेरे बिहार में ना 2 महीने का, इस बार 2 महीने का सावन हुआ है तो मले मास लग जाता है, 1 महीने का मले मास। सावन तो इससे पहले भी आ गया था और मेरे बिहार में सावन में बहुत ज़्यादा अच्छा से शिव भगवान का पूजा किया जाता है, माता पार्वती का। और यहाँ मुझे पता चला कि मान्यता मंदिर है मतलब, तो हम लोग भी अंदर जाके देखते हैं क्या अच्छा रहता है। और मन में जो है वो तो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ पूरा होने के बाद ही बताऊँगी। थैंक यू। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है और मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैं फिलहाल राजकोट में रेलवे में काम करता हूँ। आज सावन का पहला दिन है और यहाँ आने की मुझे पहले से बहुत इच्छा रहती है और इसलिए मैं पहले दिन आने की कोशिश किया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। मैं लोगों से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ आए, ईश्वर का दर्शन करें, मन को शांति मिलेगी। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ भगवान भोले शंकर से, महादेव से, कि सभी लोगों को सुखी रखें और उनका घर परिवार खुशहाल रहे, अच्छा रहे, सबका व्यापार में उन्नति हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उत्तम रहे। और एक बार ज़रूर यहाँ भगवान भोलेनाथ का, शंकर का सोमनाथ में दर्शन करने आइए। नमस्कार, मैं भगवान सोमनाथ से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी आपदाएं हैं उनको दूर करें, लोगों के संकट को दूर करें और हर जगह खुशियाँ आने दें, लाएं। थैंक यू। पवित्र श्रावण मासनी आजथी शरूआत थई चूकी छे त्यारे भारतभरना शिवालयोमां भाविक भक्तोनी भीड़ जोवा मळती होय छे, त्यारे आजे 12 ज्योतिर्लिंगमां प्रथम विश्व सुप्रसिद्ध सोमनाथ महादेव मंदिरे पण वહેલી સવારથી જ ભાવિ ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું છે। આપ મારી પાછળ જોઈ શકો છો કે જે ભાવિ ભક્તો છે તે કતારબંધ લાઇનમાં સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે વહેલી સવારથી જ ઉમટી પડ્યા છે। હર હર મહાદેવ અને જય સોમનાથના નાદ સાથે સમગ્ર વાતાવરણ શિવમય બનતું જોવા મળ્યું છે। આજે સવારની પ્રાતઃ આરતીમાં પણ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો સોમનાથ મંદિરે ઉમટી પડ્યા છે, ત્યારે સોમનાથ ટ્રસ્ટ તેમજ પોલીસ તંત્ર દ્વારા પણ ભાવિકોની સુવિધામાં કોઈપણ અગવડ ન પડે તેના માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે। મિતેશ પરમાર, ગીર સોમનાથ। પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી લેવામાં આવ્યો છે અને જે પ્રકારે કહી શકાય કે ગુજરાતમાંથી નહીં પરંતુ ગુજરાત બહારના જે ઘણા બધા રાજ્યો છે કે જ્યાંથી अलग अलग जो भाविक भक्तों से अँ सोमनाथ खाते उमटी पड़ा है दर्शन करने, बाबा दर्शन करने खास आया है। खास व्यवस्थाओं तमाम जो भक्तों सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा कर गई है।